आज स्वास्थ्य के संबंध में कुछ चर्चा करनी है और वो चर्चा ऐसी है जिसका पालन मैंने अब तक किया है जीवन में और उसके पालन की वजह से मैं स्वस्थ जीवन जीता हूँ और जी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सभी उन्हीं नियमों का पालन करें तो आप पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं और आपके सारे अंग जो हैं विधिवत पूरी जीवन भर आपका साथ दे सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि आप दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, एक तो खाना और एक सोना। सोने का और खाने का यदि आपने नियम बना लिया तो समझ लीजिए आपने आदि तंदुरुस्ती को पूरा कर लिया। और जिन लोगों का खाने का कोई समय नहीं, सोने का कोई समय नहीं होता है, वो प्राय रोगी रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, भूख नहीं लगती है, कब्जी रहती है। अगर आपने यही दो नियमों का पालन कर लिया कि अपने खाने का समय निश्चित कर लिया और सोने का और जगने का समय निश्चित कर लिया, तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। उदाहरण के लिए मैं एक ऐसी आपको घटना बता रहा हूँ, जिस समय मैं आगरा कॉलेज में एमए का विद्यार्थी था 1958 में, उस समय एक संत हमारे कॉलेज में आए थे और उन्होंने बताया था कि भाई कुछ नियमों का पालन करिए तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि कुछ ना समझ लोग सुबह ब्रश करते हैं और रात को बिना ब्रश किए ही सो जाते हैं। तो हम हॉस्टल में रहते थे तो सभी लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हम तो सभी नासमझ हैं कि सुबह ही हम तो पेस्ट करते हैं, रात को तो कोई पेस्ट करता ही नहीं है। उस दिन के बाद में मैंने ये नियम बनाया कि सोने से पूर्व ब्रश अवश्य करूँगा और सुबह सामान्य रूप से उंगली से आप मालिश कर लें, अगर कोई मंजन है तो थोड़ा मंजन लेकर के मंजन लगा करके मालिश कर लें, तो इससे आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और जीवन में कभी आपके दांत आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसका प्रमाण भी मैं सामने दिख रहा हूँ कि मेरे दांत जो हैं पूर्णतः स्वस्थ हैं और मैं आराम से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि हमेशा सोने से पूर्व ही ब्रश करके सोएं और सुबह दांतों की मालिश कर लें उंगली से। और ये भी ध्यान रखें कि जिस उंगली से लोग मालिश करते हैं इससे करते हैं तर्जनी से, इससे नहीं करनी है, आपको मालिश करनी है मध्यमा से। दांतों के पास में तर्जनी नहीं जानी चाहिए, केवल मध्यमा ही जानी चाहिए। जब मध्यमा जाएगी तो इसमें एक्यूपंचर का वो सिद्धांत है कि आपके मसूड़ों को लोह बना देगी, बिल्कुल कभी खून नहीं आएगा, कभी गंदगी नहीं रहेगी, कोई बदबू नहीं आएगी। तो कम से कम ये ध्यान रखें आप। दूसरी बात, सुबह सूर्योदय से कम एक घंटा पूर्व सभी को जग जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और सबसे पहले आप बिना कुल्ला किए बिना मुँह धोए जल ग्रहण करें, जिसको ऊषा पान कहते हैं। और ऊषा पान जो है ये हजार बीमारियों की एक दवा है। इस ऊषा पान से आपके शरीर की गांठ नहीं रहती है, कब्जी नहीं रहती है, गैस नहीं बनती है, माथे में दर्द नहीं होता है और अन्य अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां जो कि हमको पता ही नहीं चलती वो स्वतः ही नष्ट होती रहती हैं। लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखें कि पानी पिया नहीं जाता, पानी खाया जाता है, रोटी पी जाती है। पानी खाने का मतलब यह है कि जब आप पानी पिएं तो घूंट घूंट करके पानी पिएं और पानी को पीने से पूर्व एक बार मुंह जरूर चला लें जैसे कोई चीज़ खा रहे हैं। ये तो पानी का खाना हो गया, एक साथ नहीं पीना है। और कोई भी पेय पदार्थ आप एक साथ झटके से नहीं पिए, वो लाभ की जगह पर हानि करेगा, चाहे वो पानी है, चाहे वो शिकंजी है, चाहे लस्सी है, चाहे दूध है, जो कुछ भी पेय पदार्थ हैं उन पेय पदार्थों को आप हमेशा धीरे धीरे पिएं। और पानी तो कभी खड़े होकर के पिए ही नहीं, नहीं तो घुटनों में दर्द कर लेंगे।
पानी हमेशा बैठ के पिए, और जो ऊषा पान करते हैं अगर वो चाहें कर सकें तो कागासन की पोजीशन में बैठ के करेंगे तो बहुत ही लाभ होता है। अगर वो पोजीशन न कर सकें तो कम से कम बैठ के जरूर पानी पिए। ये तो पानी के संबंध में हो गया। और दूसरा ये है कि भोजन से पूर्व और भोजन के बाद में, भोजन से आध घंटे पहले और भोजन के एक घंटे बाद तक पानी ग्रहण नहीं करें, नहीं तो आपकी पाचन क्रिया जो है वो प्रभावित होगी और वो सही तरह से पाचन नहीं हो पाएगा। पानी को बाद में पिएंगे बहुत लाभ करेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, चाहे कोई सब्जी है चाहे दाल है, जो कुछ भी खा रहे हैं, एक मिनट उससे पूर्व सोच लीजिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, और उसके विषय में विचार कीजिए कि वह क्या चीज़ खा रहा हूँ। चाहे वो मूंग की दाल है तो उसके बारे में सोचिए कि क्या गजब की दाल होती है, कितनी सुपाच्य होती है। अगर उड़द की दाल है तो सोचिए कि उड़द तो दालों का राजा है साहब, इसका क्या कहना, बड़ी पौष्टिक होती है, बड़ी ताकत वाली होती है। ऐसे ही कोई सब्जी है, लोग कहते हैं काशी फल में कोई गुण नहीं है, मैं कहता हूँ काशी फल में बहुत गुण है, पर पहले बना लीजिए खाने से पूर्व, उसको सोचिए कि ये तो गुणों का राजा है, तो वो आप में बहुत गुण पैदा कर देगा। तो ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का यदि आपने ध्यान रखा तो निश्चित रूप से आप लाभ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर थोड़ा आज मुख्तक ही मैं आपको बताऊँगा कि सुबह सुबह और शाम को मुँह में पानी भर लें, और पानी भर करके दोनों आँखों में छींटे मारें आँख खोल करके, तो आँख संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर आपको नाक संबंधी कोई समस्या है, जुकाम ज़्यादा होता है, तो आप एक काम करें, सुबह जब स्नान करते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल लें, थोड़ा सा तो नाभि में लगा लें और थोड़ा दोनों नाक के नथनों में लगा दें, तो आपको जुकाम वगैरह नहीं होगा और नाक संबंधी अनेक बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो दांतों का मैंने आपको बता दिया, आँखों का बता दिया, नाक का बता दिया, और अगर किसी के कानों में कोई गड़बड़ हो तो नाक और मुंह दोनों को बंद करके और ज़ोर से हवा बाहर निकालने की कोशिश करें तो आपकी कान बोलना शुरू कर देंगे, तो कान का मैल मट्टी भी निकल जाएगा और कान खुल जाएंगे। तो आज तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी अनेक चीज़ें और दूंगा जो आपको बहुत लाभ करेंगी, पर थोड़ा सा पालन अवश्य करें। जय हिंद।